कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। कांवर डीजे को लेकर हुआ विवाद किठौर थाना क्षेत्र के ग्राम इंद्रपुरा में अंधाधुन फायरिंग पे मारपीट में तब्दील हो गया। दबंगों ने जिस तरह से अंधाधुन फायरिंग की उसे सुनकर बच्चे भी जोर जोर से रोने लगे। इस आशय का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। किठौर थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर आज पीड़ित पक्ष ने SSP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। पहले देखिए अंधाधुन फायरिंग की आवाज में मुंह पर कपड़ा लपेटे युवकों की बदमाशी का वायरल वीडियो। आज परिजनों संग SSP ऑफिस पहुंची ज्योति ने यह जानकारी दी। जोर से बोलिए। क्या नाम आपका? ज्योति। आज SSP ऑफिस आई थी, क्या मामला था? जी उन्होंने हमें मतलब घर पे आके लिफ्ट है, एक लड़के से पड़ोस में आमने सामने झगड़ा चल रहा था काफी दिन से, लेकिन वहाँ कमल को उसने फोन करा। कमल 20-25 लड़के लेके, हमारा कोई प्लान नहीं थी, उनके सबके प्लान थी, वे हथियार लेके आए, उन्होंने तुरंत हम पे हथियार सवार करा। मेरे भी ये कट्टा की वो लगी हुई है यहाँ पे, ये डीजे को लेके, कांवड़ में डीजे को ये वो ऐसा होता है। वे हरिद्वार गए थे, एक पार्टी उनकी थी एक पार्टी हमारी थी, दोनों तरफ से 20-25 लड़के थे, लेकिन उधर के लड़के वे पहले आ गए, हमारे इधर के बाद में आ गए। इसको लेके कहाँ सुनी होगी दोनों पीढ़ में, वहाँ से तो उन्होंने मंदिर पे से लिया है चुपचाप करके, लेकिन उन्होंने घर पे आके और फिर भाई से मुझौरी करके उन्होंने तुरंत लड़कों को बुलाया। मनीष ने, हमारे घर के सामने का लड़का, उसने 20-25 लड़काए, वह हथियार लेकर आए, उन्होंने दब दब हम पे मतलब उन्होंने बजाना शुरू कर दिया स्टार्टिंग सब पे। पुलिस ने शिकायत करी थी? जी पुलिस ने शिकायत करी थी। क्या करा पुलिस ने? पुलिस ने तो कुछ नहीं करा, एक दो बार आके चली गई और बस मतलब पापा को बैठा रखा वहाँ पे थाने में। कौन से थाने का? किठौड़। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।